क्लास 6 एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। अब आपने एडिशन की सूटेबल अरेंजमेंट में देखा कि किन दो नंबर्स को प्लस करने से पीछे जीरो आता हो, राइट। आज हम देखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी अरेंजमेंट होती है बच्चों, देखो कैसे, हमें इसको भी थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करनी है। कैसे आसान बनेगा ये देखिए ध्यान से। यहां हमारे पास रकम है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1768 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब 2 को 8 से गुना करने से आएगा 16, यानी यूनिट प्लेस पे आएगा 6, ठीक है, कुछ आसान नहीं हुआ। 2 को 50 से गुना करने पे आ जाएगा 100, ये आसान हो जाएगा। 1768 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बड़ा मुश्किल है, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप देख लेना, ये 2 और ये 50, यदि इन दोनों को गुना करें तो गुना करने की जरूरत ही नहीं, मुझे पता है 2 गुना 50 होता है 100। तो हम क्या करते हैं, 2 और 50 को पहले लिख लेते हैं ब्रैकेट में, गुना 1768 बाद में लिख लेते हैं। अब क्या होगा, 2 को 50 से गुना किया तो हमारे पास आता है 100 गुना ये है 1768। अब इसको भी गुना करना आसान है, किसी भी नंबर को 10, 100, 1000, 10000 से गुना करना, तो क्या करें, जैसे 1768 है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1768 ये नंबर ऐसे कैसे ही आएगा, 100, यहां 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। तो आपने देखा, ये इतनी जो लग रहा था कि थोड़ी मुश्किल गुना हो सकती है, असल में हमें वो कांटे मार के गुना करनी ही नहीं पड़ी, उसके बिना ही हमारा काम आसान हो गया और हमने इसका गुणनफल निकाल दिया। यही सूटेबल अरेंजमेंट का फायदा है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 गुना 166 गुना 25। अब देखिए 4 को 166 से गुना करें मुश्किल है, 166 को 25 से गुना करें वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, हो तो जाएंगे लेकिन मुश्किल है। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से, तो ये है 4 और ये है 25, 25 चौके होता है 100, 25 चौके होता है 100। तो हम क्या करते हैं, इनको पहले कर लेते हैं 4 गुना 25, ठीक है, और साथ में क्या आ गया 166। अब हम बेटा देखो 4 को 25 से गुना करके आ जाता है 100, ये ब्रैकेट का मतलब होता है इसको पहले हल करना है, ठीक है, गुना 166। तो अभी आपने सीखा था कि यदि आपके पास ऐसा कभी आ जाए कि किसी नंबर को 10, 100, 1000, 10000, लाख से गुना करना हो तो क्या करेंगे, ये नंबर ऐसे कैसे लिख देंगे, 166, यहां 2 जीरो है तो इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो होता तो यहां 1 जीरो लगता, 3 जीरो होते तो यहां 3 जीरो लगते, 4 जीरो होते तो यहां 4 जीरो लगते। तो ये हमारे पास आ गया 16600। अब देखो यहां भी गुना मुश्किल थी, लेकिन रीअरेंजमेंट की वजह से हम इसको आसानी से कर पाए। इसके कुछ भाग आप कीजिएगा, ई भाग देखिए, मैं ई भाग आपको करवा रहा हूं, यह है 285 गुना 5 गुना 60। अब 285 को 5 से गुना करेंगे ये भी मुश्किल है, 285 को 60 से करेंगे ये भी बड़ी गुना है, लेकिन 5 को 60 से करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये जैसे लिखा है हम इसको ऐसे ही 5 को 60 से पहले ब्रैकेट में रखेंगे, यानी इसको पहले हल करेंगे। तो 285, ये बराबर का निशान ऐसे ही 285 को ऐसे उतार लेंगे। अब देखो 5 को 60 से गुना करना, ये 0 5 6 30, पीछे 1 जीरो है तो 1 जीरो लग गई, ये भी हमें गुना नहीं करना पड़ा, देखने से ही पता लग गया, है ना। तो अब ये बन गया 285 गुना 300। अब इसमें से भी देखो बच्चों क्या करना होता है, 2 जीरो है यहां तो 2 जीरो आपके उत्तर में पहले ही लग जाएंगे। अब यहां से 2 जीरो भूल जाओ, यहां रह गया 3, 285 को 3 से, मैं तो डायरेक्टली भी कर लूंगा लेकिन हम यहां इसको साथ में करके देख लेते हैं, 285 को 3 से गुना कर लेंगे, 5 या 15 हासिल आया 1, 8 के 24 और 1 25 हासिल आया 2, और 3 दुनी 6 और 8। तो देखो 5 या 15 हासिल आया 1, 8 के 24 और 1 25 हासिल आया 2, 3 दुनी 6 और 2 8, 855, 2 जीरो इसके पीछे लगे थे, 855 यहां और लिखा जाएगा। तो अब ये देखो इसको गुना करना मुश्किल हो गया ना बड़ा, लेकिन हमने क्या किया, बड़ी आसानी से ही इसको, सिर्फ कैसे किया, सूटेबल रीअरेंजमेंट से किया। कैसे किया, सूटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट हमने क्या किया होता है, थोड़ा सा नंबर्स को आगे पीछे करना। अब ऐसा ही एक इसका भाग और है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये भाग है 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25। अब यहां पर क्या है,
हमें अभी भी इसको थोड़ा सा आसान करना। अब 125 को 40 से गुना करना भी मुश्किल है, 125 को 8 से गुना भी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे तो बच्चों, मुझे ये पता है कि 125 को जब हम 8 से गुना करते हैं तो देखो 8 पांच 40 जीरो हासिल आया 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल आया 2, 8 एकम 8 और 2 10। अरे ये देखो ये कितनी आसान संख्या बन गई, यानी 125 को 8 से गुना करने पर हमारे पास आता है 1000। ऐसे ही जब आप देखोगे 25 को 40 से गुना करके तो ये भी आ जाएगा, एक जीरो है 25 चौके 100, ये भी आ गया 1000, ये भी आसान। इसका मतलब यदि 125 को 8 से 40 को 25 से गुना किया जाए तो हमारे पास 1000 गुना 1000 आता है। यही थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में अरेंजमेंट करना है। तो हमने क्या करना है, 125 के साथ बेटा किसको गुना किया है, 8 को, इसको एक अलग ब्रैकेट में रख दो। ऐसे ही 40 को किससे गुना किया है, 25 से, 40 को 25 से, इसको अलग ब्रैकेट में रख दो। अब 125 को 8 से गुना करके बच्चों हमारे पास आता है 1000, और 40 को 25 से गुना करके भी हमारे पास आता है 1000। तो मैंने क्या सिखाया बेटे आपको, देखो ध्यान से, जितने जीरो हैं पहले लिख दो, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 जीरो पहले लिख देता हूं, 3 4 5 6 जीरो लिख दिए। अब जीरो भूल जाओ, बाकी नंबर यहां क्या बच गया, एक, यहां नंबर क्या बच गया, एक, एक गुना एक, एक, ये देखो कितनी आसान गुना। तो इतने बड़े बड़े रकमों को आपस में गुना करने के बजाय यदि थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो अरेंज करने से हमारी जो गुणन है वो बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू।